अमेरिका और ईरान के सफीर बयक वक्त पाकिस्तानी दफ्तर खारजा में मौजूद हैं। ज़राए के मुताबिक अमरीकी सफीर की वजीर खारजा इसहाक डार से मुलाकात हुई है। मुलाकात में ईरानी सफीर की एडिशनल सेक्रेटरी खारजा से मुलाकात भी हुई है। बिल्कुल, अमरीका और ईरान के सफीर बैक वक्त पाकिस्तानी दफ्तर खारजा में मौजूद हैं। ज़राए के मुताबिक अमरीकी सफीर की वजीर खारजा इसहाक डार से मुलाकात हुई। मुलाकात में ईरानी सफीर की एडिशनल सेक्रेटरी खारजा से मुलाकात भी हुई है। ईरानी सफीर की एडिशनल सेक्रेटरी खारजा से मुलाकात हुई, जबकि अमरीकी सफीर की वजीर खारजा इसहाक डार से मुलाकात हुई है। अमरीका और ईरान के सफीर बैक वक्त इस वक्त पाकिस्तानी दफ्तर खारजा में मौजूद हैं। क्या डिटेल्स हैं, नुमाइंदा खसूसी मतीन हैदर से जानते हैं। मतीन साहब बताइएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त दफ्तर खारजा सफारतकारी का मरकज बना हुआ है। पाकिस्तान में अमरीका के सफीर डोनाल्ड ब्लूम इस वक्त वजीर खारजा इसहाक डार से मुलाकात कर रहे हैं और इस मुलाकात में पाक अमरीका ताल्लुकात, खत्ते की सिक्योरिटी की सूरत हाल और मशरक़ वुस्ता में हालिया कशीदगी पर तबादला ख्याल किया जा रहा है। इसके साथ साथ ईरानी सफीर भी इस वक्त दफ्तर खारजा में मौजूद हैं। ईरानी सफीर ने एडिशनल सेक्रेटरी खारजा से अभी मुलाकात की है और उस मुलाकात में ईरान के सदर के आइंदा दौरे पाकिस्तान के हवाले से एजेंडा और दीगर मामलों पर तबादला ख्याल किया जा रहा है। अब से कुछ देर पहले इसहाक डार ने भी मीडिया के साथ दफ्तर खारजा में गुफ्तगू की और उनका कहना था कि ईरान के सदर इब्राहिम रईसी 22, 23 और 24 अप्रैल को पाकिस्तान के 3 रोजा दौरे पर आ रहे हैं। वजीर खारजा का कहना था कि हालिया सऊदी दौरा पाकिस्तान, जिसमें सऊदी वजीर खारजा के हमरा आला सतह का वफद था, ये दौरा इंतहाई कामयाब था और इसके नतीजे में पाकिस्तान में सऊदी सरमायाकारी बढ़ेगी। उनका ये भी कहना था कि इस माह की 28 और 29 अप्रैल को सऊदी अरब में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का इजलास हो रहा है, जिसमें वजीर आजम और वजीर खारजा इस वक्त पाकिस्तान के दफ्तर खारजा में मौजूद है। नुमाइंदा खसूसी मतीन हैदर में अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। इसके साथ ही न्यूज